नमस्कार दोस्तों बिग बुल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है सो so गाइज वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में क्या यहाँ से टारगेट हमें देखने को मिलेंगे और जो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी क्या सच में स्टॉक फोर्टी फोर परसेंट करेक्ट होगा सारा हम आपके लिए क्लियर कर देंगे चार्ट पे क्या सेटअप बन रहा है और हमने अभी भी आपको कहा है कि 990 के टारगेट आपको इस शेयर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे तो वो कब तक अचीव होंगे सारा हम आपके लिए क्लियर कर देंगे तो अगर आप इस शेयर में निवेशक है या निवेश करने की सोच रहे हैं तो गाइस वीडियो एंड तक जरूर देखेंगे देखेगा आपको जो है सब कुछ क्लिस्टर जो है क्लियर हो जाएगा और आप लोगों को समझ आएगा किन लेवल्स पे आपने एंट्री लेने और कहाँ पे जो है इस शेयर का स्पोर्ट वगैरह बनेगा तो गाइस चलिए स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करते हैं तो गाइज़ यहाँ पे हम जो है KPIT के पी आई टी के फंडामेंटल समझेंगे कि इसके फंडामेंटल्स अब क्या इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि जब से जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई स्टॉक जो है एक ही जगह कंसोलिडेट कर रहा है जो है एक रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है तो सारा क्लियर करेंगे तो गाइज़ सबसे पहले ओनरशिप के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देखते हैं फिफ्टी फाइव परसेंट जो है ओपन मार्केट में अवेलेबल है और जो है फोर्टी फोर परसेंट प्रमोटर्स द्वारा इंस्टीट्यूट द्वारा म्यूचुअल फंड द्वारा जो है इन्वेस्टेड है और उनके वहाँ है कैसे और फिफ्टी फाइव परसेंट जो है रिटेल इन्वेस्टर इंडिविजुअल और ओपन मार्केट में जो है अवेलेबल है तो कैज़ कंपनी के ओनरशिप में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं ओनरशिप जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक है कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में बात करें आप देखते हैं वैल्यूएशन कंपनी की काफ़ी स्ट्रॉग तरीके से भागी कंपनी की भी काफ़ी ज़्यादा जो है स्पाइकअप हुई है क्योंकि कैसे आपको पता है कंपनी के स्टॉक प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुल ग्रिप में था स्टॉक और जो है कंपनी के स्टॉक में हमें जो है रुकावट देखने को ही नहीं मिली और कंटिन्यूसली जो है एक तरफा तेजी स्टॉक में हमें बनती हुई दिखी जिसकी वजह से आप देखते हैं कंपनी की पी जो है आपको इतनी ज़्यादा जो है ऊपर होती हुई दिख रही है और कंपनी की पी जो आपको सिक्सटी के आसपास देखने को मिल रही लेकिन इतनी ज़्यादा जो है ओवर वैल्यूड नहीं है गाइज़ कंपनी की पी और कंपनी की पी में जो है हमें अभी भी इतनी ज़्यादा जो है ओवर वैल्यूएशन देखने को नहीं मिल रही है गाइज और अब बात की जाए कंपनी की ग्रोथ एंड प्रोफिबिलिटी के बारे में तो प्राइस आप देखते हैं कंपनी की ग्रोथ एंड प्रोफिबिलिटी जो है वो काफ़ी सही है कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है कंपनी के नेट इनकम भी बढ़ी है कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़े हैं और कंपनी को जो है ऑर्डर भी बड़े बड़े मिले और ऑर्डर बुक भी कंपनी को काफ़ी बड़े बड़े मिले जिससे कंपनी की जो ग्रोथ एंड प्रोफिबिलिटी उसमें हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली और वहाँ पर हमें ज़्यादा जो है गिरावट देखने को नहीं मिल रही और अगर कंपनी के जो फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करें तो कंपनी ने अपना डेप्ट भी कम किया है कंपनी ने अपना फ्री कैश फ्लो भी बढ़ाया और कंपनी ने अपने कैश इक्विपमेंट्स को भी बढ़ाया है तो गैस यहाँ पे तो एक कंपनी हमें फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है और फाइनेंशियली भी कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है लेकिन जो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है उसके बाद थोड़ा जो है एक वीक सेंटीमेंट स्टॉक में बनता हुआ दिख रहा है और आने वाले टाइम में थोड़ा वीक सेंटिमेंट हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है गैस क्योंकि कंपनी का जो है क्या कहा गया है कि कंपनी ने ट्वेंटी फाइव परसेंट से लेकर थर्टी परसेंट का हेडकआउट करना है मतलब इतने इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को जो है निकालना है तो गाइज आने वाले टाइम में कंपनी को कहीं कही ना कहीं कैश की प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से कंपनी इतना बड़ा जो है हडकाउंट कर रही है तो गाइज अब हम आपको समझाएंगे कि चार्ट में क्या सेटअप बन रहा है तो गाइज चलिए चार्ट सेटअप आपको हम के टेक्नोलॉजीज का समझाते हैं गाइज़ यहाँ पे हम आपको चार्ट सेटअप समझाते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कंपनी के स्टॉक में हमने आपको 480 के लेवल पे बाय कॉल दी थी और हमने आपको कहा था 990 के टारगेट आपको जो है स्टॉक में देखने को मिलेंगे लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं गाइज कंपनी का स्टॉक जो है जैसे जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई जो इसमें से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड बन रहा था उसे तोड़ के जो है यहाँ नीचे गिर गया लेकिन नीचे इसने स्पोर्ट लिया गाइज़ और जो है लगभग लगभग इस पूरे कैंडल को कंपनी के स्टॉक ने अब्जॉर्व कर दिया और पूरे शॉक को ऑब्जॉर्व कर दिया तो गाइज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा है किसी बड़े प्लेयर को एंट्री दिलाई जा रही थी तभी जानबूझ के यहाँ पे ऐसी रिपोर्ट लाई गई और वीकहैंडस को निकाला गया और जो है फिर कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे एंट्री जो है लिया तो गाइज़ मैं आपको यही राय दूंगा अभी भी कंपनी के स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें लग रहा है और हमें नहीं लगता कि जो है स्टॉक में आपको आने वाले टाइम में यहाँ से फोर्टी फोर परसेंट के करेक्शन देखने को मिलेगी कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया रहे तो यहाँ पर आप एक बुलिश कॉल लेके चल सकते हो और नौ के टारगेट आपको स्टॉक में देखने को मिलेंगे तो गाइज़ यहाँ पर पहली स्पोर्ट जो है वो आपको मिलेगी सात सौ के आसपास तो यहाँ पे काफ़ी नीचे आपका स्टॉप लॉस लगेगा तो थोड़ा सोच समझ के स्टॉक में निवेश करिएगा लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं आने वाले टाइम में कंपनी में काफ़ी अच्छा रन हमें देखने को मिलेगा तो गाइज़ ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद गाइज़